स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 6 बताऊंगा, जिसका नाम है द रूल्स ऑफ द रोड। और लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अगर कोई कमी है या वीडियो में कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए मैन who thought he had a right to do what he liked। यहाँ पे एक व्यक्ति की कहानी है जो यह सोचता था कि वह सब कुछ, वह हर कुछ करने का अधिकार रखता है जो वह पसंद करता है। One day this gentleman was walking along a busy road, spinning his walking stick राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट। एक दिन यह सज्जन व्यक्ति सड़क पर, एक व्यस्त सड़क पर टहल रहा था और अपनी हाथों में अपनी वॉकिंग स्टिक को, अपनी छड़ी को घुमा रहा था गोल गोल, और यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। A man walking behind him objected। उसके पीछे चल रहे एक व्यक्ति ने विरोध किया। You ought not to spin your walking stick round and round like that, he said। उसने कहा कि आपको अपनी walking stick को इस तरह से गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। I am free to do what I like with my walking stick, argued the gentleman। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। Of course you are, said the other man। दूसरे व्यक्ति ने कहा, निश्चित रूप से आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। But you ought to know that your freedom ends where my nose begins। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए, यह पता होना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता का अंत वहीं पे हो जाता है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। कहने का मतलब है कि जहाँ से मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। द स्टोरी टेल्स अस that we can enjoy our right and freedom only if they do not interfere with other people's rights and freedom। यह कहानी बताती है कि हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद तभी तक ले सकते हैं जब तक कि उससे दूसरों की स्वतंत्रता और आनंद में कोई हस्तक्षेप ना हो। There are very few of us, of course, who will argue like the gentleman in the story that we have a right to go about spinning our walking stick in a busy street। हम में से भी कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसे हैं जो इस बात पर उस सज्जन व्यक्ति की तरह बहस करेंगे, उस कहानी में जो सज्जन व्यक्ति था उसकी तरह बहस करेंगे कि वे अपनी छड़ी को अपने हाथों में घुमाने का अधिकार रखते हैं जब वे एक व्यस्त सड़क पर चल रहे होते हैं। तो वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफियर ऑन पर्पज विथ अदर पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट। हमें निश्चित रूप से दूसरे लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहिए, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए। This happens when we act without thinking or when we disobey rules that we ought to obey। ऐसा तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे कुछ करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन नियमों का जिन्हें हमें मानना चाहिए। Let us look at some of the things we sometimes do without thinking of other people's convenience। आइए देखते हैं कुछ एक उदाहरण, कुछ ऐसी बातों का जिसमें हम लोग बिना सोचे समझे
जिसमें हम लोग दूसरों की सुविधा के बारे में नहीं सोचते हैं। Sometime, someone is getting married in one of the house in a crowded street. एक भीड़भाड़ वाले गली में एक घर था जिसमें किसी की शादी हो रही थी। Suddenly, one morning, a loudspeaker put up outside the house begins to broadcast loud gramophone music. अचानक ही एक दिन सुबह सुबह एक लाउडस्पीकर को घर के सामने रख दिया गया और उस लाउडस्पीकर ने ग्रामोफोन में बजने वाले संगीत को तेजी से दूर दूर तक फैलाना शुरू कर दिया। द म्यूजिक डज नॉट स्टॉप फॉर टू और थ्री डेज, और यह संगीत दो तीन दिनों तक नहीं रुका। सिक पीपल इन नियर बाई हाउसेस कैंट स्लीप इन क्वाइट, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कांट डू एनी रीडिंग एंड एवरीबॉडी इज फोर्स्ड टू लिसन द म्यूजिक। आसपास के घरों में रहने वाले बीमार लोग ठीक से सो भी नहीं सके, शांति से सो भी नहीं सके। जो विद्यार्थी थे, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, वे कुछ भी नहीं पढ़ सके और हर कोई इस संगीत को सुनने के लिए बाध्य था। द पीपल इन द हाउस where the wedding is taking place do not of course mean any harm to their neighbors. जो घर में रहने वाले लोग थे जहाँ पे शादी हो रही थी, is taking place do not of course mean any harm to their neighbors. वे निश्चित रूप से अपने पड़ोसियों का कोई नुकसान नहीं कर रहे थे। They just do not realize that they are acting without any thought for other people's convenience. वे ऐसा महसूस नहीं कर रहे थे कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरे लोगों की सुविधा में बाधा उत्पन्न हो रही है या दूसरे लोगों की सुविधा के बारे में बिना कुछ सोचे ही वे ऐसा कर रहे हैं। इस बारे में वे कुछ भी नहीं महसूस कर रहे थे, कुछ भी नहीं सोच रहे थे। Sometimes they do not care even if someone does object. और कभी कभी वे इस बात की भी परवाह नहीं करते थे जब कोई व्यक्ति विरोध करता था। But really there is no need for a loudspeaker outside the house at all. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो घर के बाहर लाउडस्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑल द गेस्ट इन द हाउस कैन हियर द म्यूजिक विदाउट इट। सारे मेहमान जो घर के अंदर हैं संगीत को बिना लाउडस्पीकर के भी सुन सकते थे। वी ऑफन कम अक्रॉस एन एग्जांपल ऑफ वांट ऑफ थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस व्हेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन। हम प्राय एक ऐसा और उदाहरण देखते हैं जिसमें लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। हियर इज वन सम ऑफ द पैसेंजर मे बी ट्राइंग टू स्लीप। यहाँ पर कुछ यात्री सोने का प्रयास कर रहे होते हैं। सडनली टू आर थ्री पर्सन हु कांट स्लीप I don't want to get interested in politics and begins a loud argument on India's foreign policy. अचानक ही दो या तीन लोग जो सो नहीं सकते या सोना नहीं चाहते राजनीति में दिलचस्पी लेने लगते हैं और एक तेज बहस शुरू हो जाती है और यह बहस संबंधित होती है भारत के विदेशी नीतियों से। And they go on arguing for hours. और वे घंटों तक वार्तालाप या बहस करते रहते हैं। The other passengers who are more interested at that moment in sleep than the India's foreign policy are forced to listen to the whole argument and go without their sleep. और बहुत से यात्री जिनको सोने में कहीं ज़्यादा दिलचस्पी होती है अपेक्षाकृत रूप से
भारत की विदेशी नीतियों को जानने के वे भी बाध्य हो जाते हैं। पूरा बहस पूरी वार्तालाप को सुनने के लिए बिना अपनी नींद को लिए बिना सोए। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, यह सही है कि हर कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता। यू कैन सी नाउ एंड देन एग्जाम्पल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर। अब हम थोड़ा दूसरे तरह के व्यवहार का उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। वी समटाइम नोटिस विथ प्लीजर ए यंग मैन इन ए बस गिविंग अप हिज सीट टू एन एल्डरली पर्सन और टू ए वुमन हु हैज गॉट इनटू द बस विथ ए बेबी इन हर आर्म। हम कभी कभार देखते हैं, एक खुशी के साथ देखते हैं, एक आनंद के साथ देखते हैं कि एक नौजवान व्यक्ति जो बस में बैठा होता है अपनी सीट को अपने से बड़े व्यक्ति के लिए छोड़ देता है, या फिर किसी औरत के लिए छोड़ देता है जो बस में चढ़ी हुई होती है अपनी बाहों में एक बच्चे को लेकर। When a man sitting in a train turns to the person next to him and asks, "May I smoke?" और कभी ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति थोड़ा सा घूमता है और अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछता है, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? He is giving thought to the convenience of the other person. वह दिखाता है कि उसे दूसरों की सुविधा का ध्यान है, मतलब वह दूसरों की सुविधा के बारे में भी सोचता है। When two motorists coming from opposite direction at night dim the lights of their vehicles, they are being helpful to each other. और कभी रात के समय दो मोटर चालक जो विपरीत दिशाओं से आ रहे होते हैं अपनी लाइट को धीमा कर देते हैं और इस तरह से एक दूसरे की सहायता करते हैं। इन ऑल सच एक्शंस वी गिव अप ए लिटिल ऑफ आवर फ्रीडम एंड कन्वीनियंस सो दैट अदर पीपल मे एंजॉय देयर एंड लाइफ मे रन स्मूथली फॉर ऑल। इन सभी घटनाओं में, इन सभी क्रियाकलापों में हम अपनी स्वतंत्रता और सुविधा को थोड़ा सा छोड़ते हैं तो दूसरे अब काफ़ी आनंदित होते हैं और इस तरह से जो जीवन है वो बहुत ही आसानी से चलता है सबके लिए, सबका जीवन आसान हो। देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ऑट टू बिहेव और ऑट नॉट टू बिहेव इन ऑल मैटर। सभी मामलों में हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं होता। बट इन सम मैटर्स देयर आर रूल्स दैट ऑल हैव टू ओबे। लेकिन कुछ मामलों में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। टेक फॉर एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ द रोड, उदाहरण के लिए रूल्स ऑफ रोड या सड़क के नियम को लो। द पर्पज ऑफ दी रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबॉडी। इस नियम का जो उद्देश्य है वह है सड़कों को सुरक्षित बनाना हर किसी के लिए। द रोड इन आवर सिटीज एंड टाउन आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी विथ ट्रैफिक दिस डे। सड़कें हमारे शहरों में और हमारे कस्बों में प्रतिदिन और ज़्यादा व्यस्त होती जा रही हैं ट्रैफिक के कारण से इन दिन। ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स सम स्लो सम फास्ट फिल द रोड ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे। सभी प्रकार के वाहन, कुछ धीमी गति वाले कुछ तेज गति वाले, दिन भर या दिन के अधिकांश समय में सड़कों पे भरे होते हैं। इफ पीपल डिसोबे ट्रैफिक रूल्स एक्सीडेंट हैपेंस सूनर और लेटर। यदि लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन एज वेल एज व्हीकल्स एंड ओबे यूजर्स ऑफ द रोड ऑट टू नो द रूल्स। ये जो नियम है वह पैदल चलने वालों के लिए भी हैं और उतना ही
वाहन चालकों के लिए भी हैं। सभी सड़क प्रयोगकर्ता को इसे जानना चाहिए। हियर इज एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन। यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण नियम है। दे ऑट टू कीप टू द फुटपाथ एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल्स। उन्हें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और जो सड़क का बीच वाला पोर्शन है उसे वाहनों के लिए छोड़ देना चाहिए। वेयर देयर इज नो फुटपाथ पेडेस्ट्रियन मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड। जहाँ कहीं पे फुटपाथ न हो वहाँ पे पैदल चलने वालों को सड़क के किनारे पर चलना चाहिए। इफ दे डू नॉट ओबे रूल दे विल कास्ट डेंजर टू देमसेल्फ एज वेल एज टू अदर। यदि वे इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यह उनके लिए और दूसरों के लिए भी खतरे का कारण होगा। ए ड्राइवर मे टर्न हिज व्हीकल सडनली टू अवॉइड ए पेडेस्ट्रियन एंड इन डूइंग सो मे नॉक डाउन समवन एल्स। ही मे इवन लूज कंट्रोल ऑन हिज व्हीकल एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल। यदि कोई वाहन चालक अचानक ही किसी पैदल चलने वाले को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ता है तो ऐसा करने में वह किसी दूसरे को धक्का मार के गिरा सकता है, या यह भी संभव है कि वह अपना नियंत्रण खो दे और गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दे और बहुत से लोगों को धक्का मारकर गिरा दे। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। सभी वाहनों को सड़क पर बाएं से चलना चाहिए और आधे से दाहिने तरफ का हिस्सा उनके लिए छोड़ देना चाहिए, उन वाहनों के लिए छोड़ देना चाहिए जो विपरीत दिशा से आ रहे होते हैं। दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। यही ट्रैफिक का नियम है जो पूरे हिंदुस्तान में है। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट हाउएवर व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट एंड नॉट टू द लेफ्ट। पश्चिम के कुछ देशों में वाहन को सड़क पर दाएं चलाने का नियम है न कि बाएं। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज राइट और लेफ्ट। यह कोई मामला नहीं है, यह कोई बात नहीं है कि हम बाएं से चलते हैं या दाएं से, बट एवरी वन शुड ओबे द रूल। लेकिन हर किसी को आज्ञा का पालन करना चाहिए। साइक्लिस्ट शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड एंड नॉट गेट द वे ऑफ द अदर व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियन। साइकिल चालक को हमेशा सड़क के किनारे पे होना चाहिए और कभी भी दूसरे वाहनों या पैदल चलने वालों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। वी ऑफन सी टू आर मोर साइकिलिस्ट राइडिंग टूगेदर साइड बाई साइड राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। हम प्रायः देखते हैं कि दो या दो से अधिक साइकिल चालक अगल बगल होकर साइकिल चलाते हैं और प्रायः रोड के दाहिने तरफ या बीच में भी चलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस। ट्रैफिक के नियम इसकी अनुमति नहीं देते। वेयर द रोड इज बिजी दिस विल इंटरफियर विथ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट। जहाँ कहीं पे रोड बहुत व्यस्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ऐसा करना ट्रैफिक के प्रवाह को बाधित करेगा और यह दुर्घटना का कारण बनेगा। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इन एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रूल। ओवरटेकिंग का नियम भी इतना ही महत्वपूर्ण नियम है। ओवरटेकिंग मतलब एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से आगे निकलना। वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल्स ओनली ऑन द राइट बिकॉज अदरवाइज इट मे गेट द वे ऑफ द व्हीकल्स विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट। किसी भी वाहन को ओवरटेक करते समय, मतलब आगे वाली गाड़ी से आगे जाने के लिए, हमेशा आगे वाली गाड़ी के दाहिने से आगे निकलना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस गाड़ी के लिए इट मे गेट द वे ऑफ द व्हीकल। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह
उस गाड़ी के सामने आ जाएगा जो गाड़ी अपने बाएं से आ रही होती है। देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड क्रॉस ईच अदर। जहाँ पे सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या चौराहा होता है वहाँ पे भी कुछ नियम हैं। देयर इज यूजुअली राउंड अबाउट एट दीज प्लेस। प्रायः ऐसे स्थानों पर गोलाकार स्थिति होती है, गोलाकार आकृति होती है। द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द राइट हैड राइट वे ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ऐसे स्थान पे जो वाहन दाहिने साइड से आ रहा होता है उसका यह अधिकार होता है कि बाएं साइड से आ रहे वाहन के दाहिने से वह निकले। इफ एवरी ड्राइवर फॉलो दिस रूल ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइट स्मूथली एंड एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। यदि प्रत्येक वाहन चालक इन नियमों का पालन करे ट्रैफिक राउंड अबाउट पर मतलब चौराहे पर तो निश्चित रूप से वाहन चलाना या जो भीड़ है वह बहुत ही आसानी से पार हो जाएगी और दुर्घटना से बचा जा सकता है। ड्राइवर ऑफ व्हीकल शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल बिकॉज अदरवाइज देयर इज ए ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग। वाहन चालकों को कभी भी सिग्नल देने में कोताही नहीं करनी चाहिए, सिग्नल देने में कभी असफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने की स्थिति में एक कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। देयर आर सिग्नल फॉर टर्निंग राइट आर लेफ्ट फॉर स्विंग डाउन एंड फॉर स्टॉपिंग एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल्स ओवरटेक योर्स। देयर आर सिग्नल्स, यहाँ पे कुछ सिग्नल होते हैं, कुछ संकेत होते हैं दाएं मुड़ने के लिए या फिर बाएं मुड़ने के लिए या फिर स्पीड को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए या फिर रुकने के लिए या फिर दूसरे किसी वाहन को ओवरटेक करने के लिए। साइक्लिस्ट आर ऑफन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल। साइकिल चालक प्रायः संकेत देने में लापरवाही करते हैं। थिंकिंग दैट दीज आर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट। यह सोचते हुए कि ये जो नियम है संकेत देने के इसका महत्व सिर्फ मोटर चालकों के लिए ही है। बट ऑल रोड यूजर्स साइक्लिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट ऑट टू हैव द राइट सिग्नल सो दैट अदर ऑन द रोड मे बी वार्न। लेकिन सभी सड़क प्रयोगकर्ता के लिए, चाहे वह साइकिल चालक हो या फिर मोटर चालक हो, उन्हें सही संकेतों के बारे में पता होना चाहिए, सही संकेत देना चाहिए सो दैट ऑन द रोड मे बी वार्न, ताकि जो सड़क पे जो दूसरे लोग हैं वे सजग हो सकें। पेडेस्ट्रियन टू शुड हैव ए नॉलेज ऑफ दी सिग्नल सो दैट दे मे बी एबल टू टेल व्हिच वे द व्हीकल्स ऑन द रोड आर गोइंग टू पास। जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इन संकेतों की जानकारी होनी चाहिए सो दैट दे मे बी एबल, ताकि वे इस बात के लिए समर्थ हो सकें टू टेल व्हिच वे द व्हीकल्स ऑन द रोड आर गोइंग टू पास, ताकि वे जान सके, बता सकें कि सड़क पर किस तरफ से वाहन गुजर रहा है। एवर ऑल एवरी वन यूजिंग द पब्लिक रोड ऑट टू ओबे द पुलिसमैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी। ट्रैफिक ड्यूटी पे जो पुलिस कर्मी होता है उसकी आज्ञा का पालन हर किसी को करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल। यह सभी नियमों में अति महत्वपूर्ण नियम है। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन ए बिजी स्ट्रीट फिल्ड विथ पेडेस्ट्रियन एंड स्पीडिंग व्हीकल्स इफ देयर वॉज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। जरा सोचो, जरा कल्पना करो क्या होगा किसी व्यस्त सड़क पर जिसमें पैदल चलने वाले और
तेज गति से चलने वाले वाहन भरे हुए हों और वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर ना हो. यू विल क्विकली रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन इज. तुम जल्द ही समझ जाओगे कि पुलिसकर्मी का जो कर्तव्य है, जो जो ड्यूटी है, वो कितना महत्वपूर्ण है. एंड देन यू विल ऑलवेज ओबे हिम एंड नेवर बी एंग्री विथ हिम व्हेन यू थिंक ही इज रॉन्ग एंड यू आर राइट. और इसके बाद तुम कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे और कभी भी उस पुलिसकर्मी से नाराज नहीं होगे जब कभी तुम सोचा करते हो कि तुम सही हो और वह गलत है.